पब्लिक टीवी आपकी आवाज। श्री श्याम परिवार मुरादाबाद के तत्वावधान में 14 जुलाई को खाटू श्याम जी का भव्य संकीर्तन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आयोजित संकीर्तन में प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल, भजन गायिका साक्षी अग्रवाल अपने भजनों से बाबा का गुणगान करेंगे। आयोजित कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए श्री श्याम परिवार मुरादाबाद के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पूरी तन्मयता के साथ कार्यक्रम में लगे हैं। मुरादाबाद शहर में एक शाम खाटू वाले के नाम एक प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है, जिसमें सबसे खुश का विषय यह है कि जो श्री कन्हैया मित्तल जी विश्वविख्यात हो चुके हैं वो हमारे शहर मुरादाबाद में आ रहे हैं। और सारी जनता, मुरादाबाद की जनता से ये अपील है मेरी कि सभी भक्तगण वहाँ आए, उनके हर तरह की व्यवस्था के लिए बैठने की व्यवस्था, हर तरह की सुविधा का ध्यान रखा जाएगा और सारी जनता आए, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं प्रतीक अग्रवाल श्री श्याम परिवार का संरक्षक, मैं सभी जनता से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 14 जुलाई को दरबार में पहुँचे और धन लाभ कमाएँ। धन्यवाद। जय श्री श्याम। जय श्री बालाजी। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि कौन कौन गायक आ रहे हैं, कौन कौन जी आ रहे हैं, तो और कि अपना मुरादाबाद शहर 14 तारीख को खाटू धाम बनने वाला है। अब उसको खाटू धाम कैसे बना रहे हैं, बहुत भव्य दरबार लग रहा है जो हमारे अध्यक्ष जी ने फैसला लिया है तोरण द्वार बनाने का, जैसा खाटू श्याम में सेम बना हुआ है सेम तोरण द्वार यहाँ बनाने का फैसला हमारे अध्यक्ष जी ने लिया है। तो आप सबका बहुत आभार है, आप लोग आएँ, अपने परिवार के साथ आएँ, सेफ फील करें। हमारे परिवार ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है, तो प्लीज़ सब लोग आएँ। मोस्ट जय श्री श्याम। मैं डॉक्टर अंतरिक्ष शर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर सेंट पॉल स्कूल में रहा। मैं यहाँ पे संरक्षक के तौर पर जुड़ा हूँ ये बाबा श्याम की। हमारी समिति द्वारा 14 जुलाई को कन्हैया मित्तल जी को बुलाया जा रहा है, तो मैं सभी नगर वासियों से यही अपील करूँगा कि जो बाबा श्याम कलयुग के देव हैं, जो 10,000 की आबादी वाला क्षेत्र है वहाँ पे जब 25 लाख लोग वहाँ पे बाबा श्याम के दर्शन कर सकते हैं, तो हमारा मुरादाबाद शहर जो 15 से 20 लाख लोगों का आबादी वाला क्षेत्र है, तो मैं वहाँ कल्पना करता हूँ कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लाखों की तादाद में लोग बाग आके जुड़ें और बाबा का दर्शन करें। जो लोग खाटू जी नहीं जा पाते हैं वो बाबा का यही भव्य दरबार में अपना दर्शन करें और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी 14 तारीख को हमारा प्रोग्राम हो रहा है, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी पास का इंतजाम नहीं किया गया है। सभी भक्तों से निवेदन है कि अपने समय से आइए और अपने आगे अपने सीट क्लेम करिएगा। किसी तरीके की व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहेगी। बाबा श्याम खुद वहाँ पे अपने स्वरूप में प्रकट होंगे और सारी व्यवस्थाओं को खुद ही निर्भर करेंगे। बाकी मीडिया के जरिए हम सब यही कहना चाहते हैं कि जितने भी भक्त आएंगे, जो भी आएंगे, तो पहले आएंगे पहले अपने स्वीट क्लेम। किसी तरीके की कोई व्यवस्था खराब नहीं होगी। मीडिया, प्रशासन, सारी तरीके के लोग हमारे साथ हैं। हमारी पूरी उम्मीद है कि ये प्रोग्राम बाबा श्याम बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। बाकी आप सब लोगों के साथ हमारे साथ। जय श्री श्याम। जय श्री बालाजी। मैं विजय गुप्ता, संरक्षक श्री श्याम परिवार का। मेरा आप लोगों से, सभी मुरादाबादियों से निवेदन है कि बाबा का जो भव्य दरबार करने जा रहे हैं और कहीं हम कहीं उनके भजनों की श्रद्धा लगा आएंगे, तो मेरे सभी से निवेदन है सारे मुरादाबादवासी आके उन भजनों का आनंद लें। जय श्री श्याम। हारे की सहारे की जय, बाणधारी की जय। हम लोग यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं और हम जो इतना बड़ा संकीर्तन महोत्सव हमारा होने वाला है मुरादाबाद में, उसके लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और आप सब जन लोगों को बड़े हर्ष के साथ हम लोग आपको निमंत्रण देते हैं कि आप उस जगह पे आएँ। और इसमें जो भजन सम्राट कन्हैया मित्तल जी आ रहे हैं, वो एक रिनॉन्ड बहुत अच्छे भजन सम्राट हैं। उनकी कई कई जगह पे कई शोज होते हैं, कई और भी हुए हैं, यूपी में भी हुए, और आप लोगों को तो पता ही है उनका जो एक मशहूर गाना जो हमारे यूपी योगी जी को भी पसंद आया था कि भी हम हम राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, हाँ हम उनको लाएंगे। तो ये लेकर और इसमें जो पास का जो सिस्टम, जो के बन में भ्रांतियाँ ऐसी ऐसी फैली हैं, सब कुछ नहीं है, सबके लिए वेलकम है, सबका स्वागत है।
कोई कमी पेशी किसी चीज़ में नहीं है, हर चीज़ ओपन है। इसलिए अपने मन से तो बिल्कुल ये सब निकाल के सारे जन जितने भी मन में किसी को भी अगर डाउट हो रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ कन्हैया मित्तल को सुनने ज़रूर आए, और एक बार अगर आप सुनने आ गए तो वो आपके अंदर ऐसी बाबा की जोत आपके अंदर जलेगी कि आपको हमेशा खाटू श्याम जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहे। श्याम जय श्री बाला जी, मैं आशुतोष गुप्ता बाबा का सेवक और श्याम परिवार का सेवादार। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि बाबा श्याम के लिए कुछ भी कहना बहुत छोटे से अल्फाज हैं। बाबा श्याम धारे के सहारे हैं, तो सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है उनके गुणगान करना, उनकी पूजा करना, उनकी भक्ति करना। ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 14 जुलाई को जो बाबा श्याम का एक भव्य दरबार लग रहा है, उसमें हमारे वो पावन सानिध्य श्री महंत श्री श्री ओमेन जी महाराज, जो कि मनोना धाम से हैं, जो ये कहा जाता है, जो कि शायद काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, मैं बताना चाहूँगा कि ये कहा जाता है कि मनोना धाम में स्वयं खाटू श्याम बाबा विराजमान हैं और बाबा का आशीर्वाद बड़ा महत्वपूर्ण है। ओमेन जी महाराज हमें यहाँ पे अपना आशीर्वाद देने को पधार रहे हैं और हमारे मुरादाबाद की धरती पे पहली बार श्री भजन सम्राट श्री कन्हैया मित्तल जी पधार रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। और मेरी सभी से ये अपील है कि जब इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ, बाबा के आशीर्वाद प्राप्त हस्तियाँ हमारे शहर में आ रही हैं, तो हम सबको एकत्रित होकर ये दिखाना है कि हम उनका कितना भव्य स्वागत करते हैं और बाबा की कितनी भक्ति में लीन हैं। धन्यवाद। जय श्री श्याम। जय श्री कृष्ण। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।